चिथैनी को अभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर was justified or not. तो भाइयों भाई एल्विस यादव ने भी की है भाई माफी की अपील भाई शिवानी कुमार से। जी हाँ दोस्तों भाई 2 महीने से भी मिले हैं भाई एल्विस यादव भाई लव किस कटारे से। बेसिकली दोस्तों आप सभी लोगों को शायद पता होगा भाई कटारा भाई बिग बॉस में था तो थोड़े महीनों का टाइम वगैरह भी लग गया था। तो भाई जो एल्विस यादव है वो भाई कह रहे हैं कि भाई शिवानी कुमारी हमसे माफी मांगे, हमें बिना वजह हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हुई है। एल्विस यादव शिवानी कुमारी के बारे में दोस्तों क्या कुछ कहते हैं आप लोग खुद सुन लीजिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी इनसे बात भी होगी, वो सारी चीजें क्लियर है, बस मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और नॉट। भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो इन्होंने सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जैसे रहा भाइयों का। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा उसको कॉल भी करता हूं, पर वो भी आज बैंगलोर थी, मैं शूट शाट के बात करूंगा। पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में फोन नहीं हो, कोई नहीं, वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझ सी है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, ये मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी है, हाँ, वो ऐसी है, पर वो मीन नहीं करते भाई इन चीजों को। हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस फ्रेम में मैं था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मगर भाई ये गलत है, ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती, मैं तो इनफैक्ट इनको भी कह रहा था, मगर सॉरी मांग लो यार क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांगने तूने बोला क्या इनको सॉरी मांगने के लिए, नहीं मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे में मैं बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़ बोली मैं कहूँ ये बालक तो सॉरी मांगने वालों में से तुम्हारा, ये हर जगह मांगने वाले कहना चाह रहे हो कि ये शिवानी में कम अकल है, ऐसा कहना चाह रहे हो, अकल कम नहीं हो ना समझ है भाई, बचपन मतलब कुछ नहीं बोल देते ना समझ, मतलब वही अकल कम है कुछ भी बच्चे थे 24 साल। और मेरे को ये अच्छी भी चीज लगी कि इन्होंने जाके सॉरी मांगी, बात मेरी बस ये थी कि उनने जो रिएक्शन दिया वो गलत था, और उसके ऊपर मुझे इन पे गुस्सा आया कि हाउ कैन यू टॉलरेट ऐसी चीज है, और कटारे ने भी कुछ नहीं बोला, और मेरा किसी चीज का गुस्सा नहीं था भाई, मुझे क्या लेना देना, अपना खा रही है कमा रही है, अपने घर में रह रही है मौज कर रही है, हु केयर्स। ना ना भाई सही बात है, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक ओपिनियन होता है, तुम्हें उसकी आवाज पैनी लगती थी जो भी लगती थी, तुझे ना लगी, पहले लगी थी बाद में जब चीज उठी होगी थी, जब आप किसी के साथ कई दिन रहते हो ना तो तुम आप उसकी हरकतों को जांचने मतलब पता लग जाता है कि तुम्हें ऐसा ही है भाई, कुछ नहीं कर सकते उसकी है, वो दिल की वो नहीं है, बट हाँ वो बड़बोली है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखो मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, शिवानी के जितने भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट पर्सनली हेट हर, आई डोंट इवन हेट ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली ना मैंने उसको कभी देखा सामने से, ना मेरी कभी बात हुई उससे, और ना मेरा एज सच कोई ओपिनियन उसको लेके कि मेरे को भाई बुरी ही लग रही है, वो बुरी है, बुरा कोई नहीं होता भाई, बुरी सिचुएशंस होती हैं, जो सिचुएशन जो भी वो क्रिएट हुई और उसने जिस हिसाब से इनके साथ बर्ताव करा, दे आर वेरी क्लोज सारे जने ना, तो तुम लोगों की, तो मुझे लगता है तुम लोगों को ही खराब बोलता तो उसमें मेरे को खराब लगता, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे हो कि भाई मेरे को बोला है इनडायरेक्टली, शी डिसरिस्पेक्टेड मी, तो वही बात है सारी, तो उसको बोलना अपोलॉजी की ना। अरे मैं बात ही कराऊंगा, मैं खुद भी कॉल करूंगा ना, मगर एक बार बात तो कर ले भाई, देखो मैं तो करूंगा नहीं, इनकी करा देना। तो भाई एल्विस यादव भाई क्यों भी माफी मंगवाना वगैरह चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भाई लक्ष्य और भाई कौशिक भी शिवानी कुमारी के पास गए थे तो इन लोगों को भी डिसरिस्पेक्ट करी थी भाई शिवानी कुमारी ने, इसलिए भाई ये माफी वगैरह मंगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है दोस्तों मुझे कॉमेंट करके भाई जरूर बताना।